आई एम ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 15 अगस्त एंड आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो हस्बैंड घर पे है एंड मैंने आपको ब्रेकफास्ट से दिखाया है तो आज मुझे ब्रेकफास्ट बनाना नहीं पड़ा। मेरे हस्बैंड सामने की दुकान से लाए थे पूरी एंड सब्जी और रसगुल्ला, तो उसी के साथ हमने आज का ब्रेकफास्ट किया है। और अभी मैंने जस्ट घर को क्लीन वगैरह करके फिर मैं जाके शार लेके आई हूँ और फिर मुझे लंच भी बनानी है। एंड हर इंडिपेंडेंस डे पे जो पेट्रियोटिक मूवीज आता है ना, तो वो देखना हमें बहुत पसंद है। तो इस बार हम देख रहे हैं परमाणु, तो ये वर्ल्ड टीवी प्रीमियर में है। शेखत को परमाणु देखने की बहुत दिनों से शौक था, सो फाइनली आज वो देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ बीच बीच में। और बचपन इट साउंड कम अवे, मैं जब छोटी थी तब मुझे अभी भी याद है, तब तो सिर्फ नेशनल चैनल था, सो हर एक 15 अगस्त में रोज़ा मूवी दिया जाता था। तो हर एक 15 अगस्त हम रोज़ा देखते थे हर ईयर, तो तब मुझे रोज़ा मूवी बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन अभी रोज़ा जैसे किसी भी चैनल में आता ही नहीं है, मैं बहुत मिस करती हूँ उस मूवी को, क्योंकि हर 15 अगस्त में हमें दिखाया जाता था तो हम देखते थे। मुझे बहुत पसंद है रोज़ा मूवी। क्या आपको भी याद है जब रोज़ा दिखाया जाता था हर 15 अगस्त पे? अगर है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे हस्बैंड अभी भी शार लेने नहीं गए हैं, सो मैं भी जाती हूँ किचन में थोड़ा सा लंच की प्रिपरेशन करने। मैं आ गई हूँ किचन में और आज जो वेदर है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर है। सुबह बारिश हो रही थी, अभी भी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, रुक रही है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इसलिए गर्मी लग रही है बहुत। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे लंच बनाना है। तो आज लंच में बनानी है हिलशा, मेरे हस्बैंड हिलशा लाए हैं आज फाइनली बहुत दिनों बाद, क्योंकि इस साल हमने ऐसा हिलशा खाया ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हिलशा इस साल बहुत ज़्यादा नहीं खाया है। तो हिलशा से मैं बनाऊँगी स्टीम्ड हिलशा मीन्स भापा इलिश, एंड साथ में इलिश को फ्राई करने वाली हूँ एंड चावल, बस सिंपल सा, बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मैंने चावल के लिए पानी चढ़ाया है, सो मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेती हूँ। सो हिलशा को मैंने क्लीन व्लीन कर लिया है और मैं स्टीम्ड हिलशा बनाती हूँ ऐसे एक छोटे से टिफिन बॉक्स में। सो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड को थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो के रखा है, तो मैं मस्टर्ड पाउडर यूज कर रही हूँ, मतलब मस्टर्ड की पेस्ट यूज करें तो और ज़्यादा बेटर है, तो मैं यहाँ पे मस्टर्ड की पाउडर यूज कर रही हूँ। सो उसको थोड़ा सा गर्म, हल्का हल्का गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगोना चाहिए, तो मैंने अभी भी वही किया है। सो मैं स्टीम्ड हिलशा कैसे बनाती हूँ मैं आपको बता दूँ। हम जिसमें चावल बनाते हैं मीन्स हाड़ी, तो उस हाड़ी में चावल बनते ही हम गैस को ऑफ करेंगे एंड जैसे हम पानी छान लेते हैं वो पानी छान लेंगे, देन उसमें मैं ये जो टिफिन बॉक्स है वो डालने वाली हूँ। तो क्या होता है, उसकी जो स्टीम है उस स्टीम में ये फिश जो है वो पकता है, एंड ऐसे मेरी मम्मी बनाती है, तो हमेशा से वो ऐसे ही बनाते हैं, इसलिए मैं भी उनकी तरह ऐसे ही बनाती हूँ, चावल में ही डाल देती हूँ टिफिन बॉक्स। तो चावल जो है वो मेरी बन रही है, अभी भी बना नहीं है। सो अभी मैं फिश की जो है वो प्रिपरेशन कर लूँ उसमें। सो ये है मेरी मस्टर्ड पेस्ट, तो इसमें मैं डालूंगी हल्दी, देन सॉल्ट, और इसको अच्छे से मिलाएंगे और अभी मैं इसमें ऐड करूंगी फिश, दिस इज हिलशा। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी ये चार जो ग्रीन चिली है, इसे थोड़ा सा कट लगा के स्लिट करके डालूंगी ऐसे। और लास्ट मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे, बस। तो
इसको मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है फिश में। मेरी जो मस्टर्ड पेस्ट है ना वो थोड़ा सा पतला हो गया है क्योंकि मैंने मस्टर्ड पाउडर यूज किया है। अगर आप मस्टर्ड पेस्ट यूज करें तो बहुत ही ज्यादा बेटर है। सो अभी हम इसको करेंगे ऐसे बंद, देन मैं आपको बाकी की प्रोसेस दिखाती हूँ। सो चावल जो है वो मेरी बन गई है, तो अभी मैं चावल को छान लेती हूँ, मतलब पानी छान लेती हूँ इसकी, देन मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं चावल की पानी जो है उसे छान रही हूँ, आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा पानी निकल जाए देन मैं इसमें डालूंगी वो टिफिन बॉक्स। सो पहले मैं थोड़ा सा चावल निकालूंगी। एंड इसमें मैं डालूंगी अभी ये टिफिन बॉक्स। टिफिन बॉक्स क्लीन करके डालना एकदम, ये हो गया। एंड ऊपर से मैं इसमें चावल की लेयर कर दूंगी, तो ये एकदम गर्म रखते ही आप इसको करना। देन मैंने इसको ओवन पे चलाया है जस्ट फॉर 2 मिनट, मैं इसको ऐसे ही रखूंगी। देन मैं गैस को ऑफ करने वाली हूँ एकदम लो फ्लेम पे। मैं जस्ट 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ूंगी ताकि क्योंकि मैंने चावल को निकाला है तो थोड़ा बहुत तो ठंडा हो गया होगा, इसलिए ताकि थोड़ा सा जो है गर्म हो जाए अंदर। देन मैं गैस को ऑफ करूंगी एंड इसे यहाँ पे ही ऐसे रखूंगी, तो इसकी स्टीम में जो फिश जो है वो पक जाएगा। सो 2 मिनट मेरी हो गई है, तो मैं गैस को अभी ऑफ कर रही हूँ एंड इसको यहाँ पे मैं ऐसे ही छोड़ूंगी। सो ये जो टिफिन बॉक्स है इसको आप तभी निकालें जब आपको खाना हो। एक्चुअली मैंने हमेशा से ऐसा ही देखा है, मेरी माँ हमेशा ऐसे ही बनाते हैं इसलिए मैं भी उनको ही फॉलो करती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। तो अच्छा खासा बन जाता है, आपको झंझट भी नहीं होती है, कोई टाइम की परवाह भी नहीं होती है, बस हो जाता है। और मुझे बनानी है इलिश फ्राई, सो उसको मैं थोड़ी देर बाद में बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को कहती हूँ कि शाल लेके आओ, फिर मैं बनाती हूँ इसे। तो मैंने टिफिन बॉक्स को अभी अभी ओपन किया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये बन गया है बिल्कुल। वाओ कितनी सुंदर है। सो दिस इज आवर लंच। तो अभी है इवनिंग टाइम एंड आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि शेखत आजकल ब्लॉग में क्यों नहीं आते। सो ये है शेखत, आज मैं इनको फाइनली ला पाई हूँ मेरे ब्लॉग में। तो आप सबको बता दो कि आप क्यों नहीं आते हो ब्लॉग में, सब पूछते रहते हैं। जब आप ब्लॉग करते हो तब मैं घर में नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं नहीं रहता। हाँ ये भी सच है, लेकिन ये भी है जब वो घर में रहते हैं तब भी नहीं आते हैं ब्लॉग में,
क्योंकि गर्मी पड़ी है सो आप लोग समझ सकते हो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी जो ये नहीं कह रहे। मेन रीज़न इज़ कि गर्मी पड़ गई है, अभी आपको जो समझना है समझ लीजिए। कल हम लोग ने मोमो चैलेंज किया, आप लोग ने आज शायद वीडियो देखा होगा। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे आप लोगों के, इसलिए हम दोनों ने मिलके कपल ईटिंग चैलेंज किया था। तो सोच रहे थे कि कौन सा चैलेंज करें, बहुत सारे ऑप्शंस थे हमारे पास। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई तरह के ऑप्शंस दिए थे, तो हमने सिलेक्ट किया है मोमो चैलेंज। तो सो कल हमने किया था मोमो चैलेंज, तो उसको मैंने अभी अभी जस्ट एडिट किया है और अभी अभी मैंने अपलोडिंग पे बिठाया है, तो कुछ देर बाद आ जाएगा। तो इस वीडियो आने से पहले ऑफकोर्स वो वीडियो आ गई होगी, सो प्लीज़ जाके देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को। हम दोनों ने मिलकर खूब मस्ती की है एंड मोमो खाए हैं। सो अभी टाइम है 9 बजे एंड फाइनली मैंने वीडियो को पब्लिश कर दी है। मेरे हस्बैंड अभी वही वीडियो देख रहे हैं, सो फाइनली मैंने पब्लिश कर दिया है, जाके प्लीज़ जाके देखिए। हम दोनों ने बहुत सारी मस्ती की है और ये सारे वीडियोस बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और अभी मुझे जानी है डिनर बनाने, सो डिनर में मैं जस्ट रोटी बनाऊंगी और एज सच सब्ज़ी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास दो तरह की सब्ज़ी ऑलरेडी है। जो एक सुबह की जो पूरी सब्ज़ी थी वो सोयाबीन एंड आलू की सब्ज़ी थी, तो वो भी रखा है। बाकी कल रात को मैंने बनाया था क्या मतलब पत्ता गोभी की सब्ज़ी, तो वो भी है। बस मैं अभी रोटी बनाऊंगी और सब्ज़ी के साथ हमारी डिनर हो जाएगी। Hi guys, so today is the next morning and कल मैं इस vlog को the end कर ही नहीं पाई, क्योंकि क्या हुआ था, मेरी कैमरे की जो चार्ज है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने उसको चार्जिंग पे बिठाया और मैं भूल गई थी इस vlog को end करना, और मैं आज बहुत ही पता नहीं कैसी अजीब सी दिख रही हूँ, क्योंकि कल पता नहीं क्या हो गया था, कल रात 3:30 बज गए थे और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे पास शेखर सो रहा था, वो तो आराम से सो रहा था एंड मैं बस एक बार इस साइड कर रही थी उस साइड कर रही थी, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए बहुत ही अजीब सी दिख रही हूँ। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स पर, सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।